हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खमा गणित, जय श्री कृष्णा, संस्कार क्लासेज के शेर शेरनियों। तो प्यारे बच्चों, हम आज आपके लिए फिर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आने वाली एग्जाम आपकी BSTC, PTET व अदर एग्जाम जहां पर राजस्थान जी की आती है उनके लिए क्लास बड़ी शानदार, जानदार एवं झकास होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूला करें। ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे अपने सेशन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जोधपुर। अब जोधपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। जोधपुर की जो स्थापना होती है, सन देखिए 1459 के अंदर होती है, और देखिए राव जोधा के जरिए इसके कराई गई थी। जोधपुर के अंदर एक मेहरानगढ़ फोर्ट है, मेहरानगढ़ एक फोर्ट है जोधपुर के अंदर, वो चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बसा हुआ है, ठीक है। चलिए अगर अजमेर की बात करें तो राजस्थान का हृदय कहलाता है, और अजमेर अजमेर की जो स्थापना होती है 1113 ईस्वी के अंदर होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी बोला जाता है, और यहाँ पर ऐसा भी बोला जाता है कि देखिए यहाँ पर जाने के लिए आपको पत्थरों की टांगों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सरसों जो अनुसंधान केंद्र है, ये देखिए भीनमाल, जालौर के अंदर, सूरत, गंगानगर के अंदर, केकड़ी, अजमेर के अंदर, सेवर, भरतपुर के अंदर। तो देखिए ये सेवर भरतपुर के अंदर क्या होता है आपका केंद्रीय, राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है, ये सेवर भरतपुर के अंदर पड़ता है। और भरतपुर देखिए, भरतपुर प्रवेश द्वार, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार कहलाता है वो भरतपुर ही कहलाता है। और केवला देव है ना, केवला केवला है ना, केवला देव घना पक्षी अभयारण्य, ये भी आप लोगों का भरतपुर के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में चकुंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, चकुंदर से जो चीनी बनाने का संयंत्र होता है ना, जो चीनी तो आपको पता है गन्ने से बनती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ होगा, गंगानगर होगा, बूंदी होगा, या झालरापाटन, झालावाड़ होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री गंगानगर होगा। और गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, कटोरा जो, ये भी आप लोगों को लिख लेना है। और सबसे अधिक जो धूल भरी आंधियां उड़ती है ना, वो भी ये गंगानगर के अंदर ही आप लोगों की उड़ती है, ठीक है। बूंदी के अंदर एक 84 खम्भों की छतरी है, अगर आपको पता नहीं है तो याद कर लेना, और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बूंदी के अंदर 84 खम्भों की छतरी है। देखिए चित्तौड़गढ़ की जो स्थापना की गई थी, ये चित्रांगन मौर्य के जरिए की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए शाखा हुए थे, कितने शाखे हुए थे, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भांकड़ा नांगल बांध से राजस्थान के किन दो जिलों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है? प्यारे बच्चों, राजस्थान नांगला बांध से राजस्थान के किन दो जिलों को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है? बीकानेर गंगानगर, गंगानगर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ चूरू, हनुमानगढ़ बीकानेर। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? हनुमानगढ़ और बीकानेर आपका बिल्कुल सही होगा। और बीकानेर के अंदर तो एक करणी माता जी की मंदिर भी है, बीकानेर के अंदर करणी माता जी का मंदिर है, जो वर्ष में कितनी बार मेला लगता है यहाँ पर? 2 बार मेला लगता है, ठीक है। चलिए देखिए दशहरो कहलाता है, प्यारे बच्चों दशहरो जो कहलाता है उसके बारे में पूछा गया। तो प्यारे बच्चों देखिए, राणा व जरगा चोटियों के ये मध्यवर्ती क्षेत्र है। तो देखिए राणा जरगा पर्वत चोटियों के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? वो दशहरो कहलाते हैं। चलिए अगला, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी है, जिसमें बाघ, बघेल, चीतल, नीलगाय, रीछ, जरक, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। सरिस्का अभ्यारण होगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण होगा, नाहरगढ़ होगा, या रणथंभौर सवाई माधोपुर होगा। नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी आंसर कर लेना है। सरिस्का अभ्यारण कहाँ पर पड़ता है प्यारे बच्चों? ये आप लोगों का अलवर के अंदर पड़ता है, ठीक है। अलवर के अंदर एक किला भी पड़ता है, जिसे हम बाला किला के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, देखिए रातानाडा हवाई अड्डा किस शहर के अंदर में स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में।
तो देखिए रातानाडा जो हवाई अड्डा है उसके बारे में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों ये जोधपुर के अंदर भी स्थित है, ठीक है। जोधपुर के अंदर मैंने अभी अभी बताया था मेहरानगढ़ फोर्ट है जो चिड़ियाटू पहाड़ी पर बसा हुआ है। जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी को अंदर हुई थी, राव जोधा जी के जरिए कराई गई थी, ठीक है। चलिए उदयपुर के बारे में बात करते हैं। जो उदयपुर की स्थापना आपके सन 1559 में होती है, उदय सिंह के जरिए इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कोटा के अंदर दशहरा का मेला सबसे विषयकाल राजस्थान के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी, जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा मिला था कब मिला था? देखिए 1980 में, 82 में, 84 में, 85 में। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जगह 1980 के अंदर इसको राष्ट्रीय रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी, जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1980 के अंदर। अगला देखिए प्यारे बच्चों, सोंटिंग भट्ट धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृतिक विद्वान किस मेवाड़ के शासक के दरबारी कवि थे? प्यारे बच्चों इन दोनों के बारे में पूछा गया, सोंटिंग भट्ट थे एक और एक धनेश्वर भट्ट थे। नामक जो संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ के शासक के दरबारी कवि थे? राणा अमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा लाखा? नंबर देखिए इसका राइट आंसर का महाराणा लाखा, बिल्कुल करेक्ट आंसर का लाखा। और आपको पता है लाखा के काल में उदयपुर के अंदर जो चांदी की खान मिली वो राणा लाखा के काल में मिली थी। चलिए अगला देखिए, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना है, ठीक है। अगर नए लाइक तो करना ही कहें, और अगर ज्यादा ही नए हो आपको पता है चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब ही कर देना, और शेयर तो आप कर ही दोगे। चलिए राजस्थान में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन किस वर्ष प्रारंभ की गई है? 2002, 2001, 2000 या 1999? तो प्यारे बच्चों 2000 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना है, राज्य की जो प्रमुख विद्युत परियोजना है, माही बजाज होगा, चंबल परियोजना होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना होगा, बिसरपुर परियोजना होगा। राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना के बारे में बात की गई है। विद्युत का मतलब आपको पता है बिजली होता है, तो देखिए इसका चंबल परियोजना बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको पता है कहाँ से आती है, आपको कोटा के अंदर भी है ना, इसमें कोटा एक बैराज भी है। चलिए बैराट की पहाड़ियां जो आपको पता है जयपुर के अंदर है, कौन सी नदी से निकलती है? तो प्यारे बच्चों कौन सी नदी निकलती है, घग्गर नदी निकलती है, बेडस निकलती है, पार्वती निकलती है, बाणगंगा निकलती है? बैराट की पहाड़ियों के बारे में प्यारे बच्चों पूछा गया, उसका राइट आंसर क्या होगा, बाणगंगा नदी निकलती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, राज्य में सेला बासमती चावलों का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए चावल तो आप लोगों ने घने खाए होंगे, लेकिन सेला बासमती के बारे में पूछा गया, तो बांसवाड़ा होगा, डूंगरपुर होगा, बूंदी होगा, गंगानगर होगा। तो प्यारे बच्चों इनमें से राइट आंसर क्या होगा आपका, बूंदी। देखिए बूंदी के अंदर आपके सेला बासमती चावलों का उत्पादन कहाँ पर होता है, बूंदी में। बूंदी के अंदर मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है कि 84 खंभों की, देखिए 84 खंभों की जो छतरी है वो भी आप लोगों की कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। बांसवाड़ा के अंदर तो सौदीपों का शहरी है बोला जाता है। गंगानगर तो आपको पता है, देखिए अन्न का कटोरा कहा जाता है। दयाल दयाश्री खात में जिस रियासत के शासकों का वर्णन है वह कौन सी है? जोधपुर, गागरौन, बीकानेर, उदयपुर। तो देखिए दयाल दयाश्री खात के बारे में पूछा गया, जिस रियासत के शासकों का वर्णन है उसके बारे में पूछा गया, तो राइट आंसर क्या होगा, बीकानेर होगा, ठीक है, बीकानेर होगा। अगर प्यारे बच्चों बीकानेर के बारे में स्थापना के बारे में पूछ ले जाए, तो प्यारे बच्चों 1488 के अंदर देखिए बीका जी के जरिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर करणी माता जी का चूहों वाला देवा, चूहों वाले कई मेला लगता है, करणी माता जी का वर्ष में 2 बार लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? अकोली ग्राम, जालौर, बस्ती, चित्तौड़गढ़, तलवाड़ा वार्ड में, सोजत पाली। सोजत पाली आपकी मेहंदी के लिए फेमस है, मेहंदी है ना, मेहंदी के लिए घना ये फेमस है, ठीक है। चलिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्यारे बच्चों रे ए आंसर, अकोला गांव जालोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? देखिए जून, जुलाई, अक्टूबर, मध्य नवंबर, नवंबर, मध्य दिसंबर,
मई और जून। नंबर 16 का आंसर क्या होगा, अक्टूबर मध्य नवंबर, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, 2011 में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर क्रमशः रही है। 2011 के बारे में पूछा गया, अब 2000 आपकी 23 चल रही है। चलिए देखिए 17 का आंसर क्या होगा, देखिए 79.2% और 52.1%, ये आप लोगों को लिख लेना है। चलिए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, राजस्थान की जो जलवायु है ना इसको प्रभावित करता है। देखिए पहला वनस्पति रहित आवरण होगा, अरावली की अवस्थिति होगा, नवजीव अवस्था धार की अनिश्चितता होगा, या फिर सभी होगा। नंबर 18 का आंसर क्या होगा, सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उस युग्म के बारे में बताना जो कि सुमेलित नहीं होगा। दक्षिणी पूर्वी मालवी होगा, उत्तरी पूर्वी मेवात होगा, उत्तरी हरियाणा होगा, दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती गिर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित एरिनपुरा छावनी किस जिले में है, एरिनपुरा जो छावनी है उदयपुर में, सीकर में, अजमेर में, पाली के अंदर। देखिए ये कहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी डी, देखिए कहाँ पर है, पाली के अंदर, ये लिख लेना पाली। और सोजत पाली के लिए जाना जाता है, मेहंदी के लिए घना जाना जाता है, ठीक है। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की है। देखिए गण रूपन होगा, वंश भास्कर, कुमार रासो, विद विलास होगा। 21 का आंसर क्या होगा, वंश भास्कर आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। चलिए राजस्थान के किस जिले में आकल, देखिए लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है, गंगानगर, जैसलमेर, अलवर और चूरू। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जैसलमेर होगा। जैसलमेर को येलो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चूरू एक ऐसा था वहां पर जो गोला बारूद खत्म होने के बाद वहां पर चांदी के गोले दागने आरंभ कर दिए थे। अलवर के अंदर आपकी मूसी महारानी की छतरी भी स्थित है और अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहा जाता है। विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है, जालौर, दुर्ग, ग्रंथ कम्बलगढ़ होगा, मयूर दर्ज होगा, चित्तौड़गढ़ होगा। 23 का आंसर आप लोगों को लिख लेना, तो देखिए चित्तौड़गढ़ इसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए क्रांतिकारी, देखिए रचना चेतावनी चुंगटिया के रचेता है, चेतावनी चुंगटिया का जो रचेता है वो केसरी सिंह बारेठ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, कोटा में। 25 का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बीकानेर के अंदर स्थित है, ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा 26वां, उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये देखिए राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, हीरालाल शास्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपकी आने वाली एग्जाम बीएसटीसी, देखिए बीएसटीसी आपकी पीटीईटी और आपकी आने वाली एग्जाम जहां पर राजस्थान जी कहते हैं उनके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें SMS कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया।